सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप जैसा देख पा रहे होंगे, गुमला चौकीदार भर्ती जो कि एग्जामिनेशन आप लोगों को 18 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था, फाइनली उसका जो ऑफिशियल आयोग के तहत आप लोग का आंसर की जारी कर दिया गया है, जो कि सार चार बुकलेट आप लोग का सेट ए, बुकलेट बी, बुकलेट सी, बुकलेट डी, सभी बुकलेट का यहाँ पे आंसर की आप लोग का जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, आप लोग यहाँ पे ऑफिशियली आंसर की मैच कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। सो और स्कोर के साथ साथ आप लोग का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बना दिया गया है। यदि इस आंसर की को मिलाने के बाद यदि आप उस जो कट ऑफ दिया गया है उसके इर्द गिर्द आगे पीछे जो भी दो प्लस माइनस नंबर यदि आप लोगों के हो रहे हैं, तो आप लोग है जो कि फिजिकल के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल भी आप लोगों का अगस्त माह में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और रही बात यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों का जैसे कि आपत्ति दर्ज, जैसे कि रामगढ़ में आप लोगों को देखने को मिला था, उत्तर कुंजी को लेकर के आपत्ति दर्ज करने के लिए वो डेट भी क्या दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेट तो ये सब तो कन्फर्मेशन नहीं बताया गया है कि आप उत्तर कुंजी के विरुद्ध में आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वैसा डेट तो यहाँ पे आप लोग को नहीं देखने को मिला है, बट आंसर की आप लोग मिलाने के बाद आप अपना जो भी डीसी कार्यालय है, आप कार्यालय जाकर के खुद से स्वयं से जाकर के पता कीजिए कि आपत्ति दर्ज वो चीज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, चूँकि इसका तो ऑफिशियली अभी जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कि शाम तक या फिर एक दो दिन के अंदर में वो चीज़ आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही वो आपत्ति दर्ज कंप्लीट होने के बाद फाइनली आप लोगों का और एक जो मेरिट लिस्ट है वो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का एग्ज़ाम का कट ऑफ निकाला जाएगा। आंसर की दे दिया गया है, अब कट ऑफ निकाला जाएगा रिटेन एग्ज़ाम का कि इतना नंबर वालों का कैंडिडेट का यहाँ पे आप लोग का रनिंग करवाया जाएगा। जैसा कि 226 पोस्ट पर आप लोग का टोटल वैकेंसी निकला है, तो 226 का यहाँ पर आप लोग का चार गुना लिया जाएगा। चार गुना कितना हो जाता है, 900 यानी कि 1000 मान लीजिए कैंडिडेट कि आप लोगों के 1000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे दौड़ के लिए। तो दौड़ के लिए भी काफ़ी इसमें दौड़ आप लोगों का टफ रखा गया है, तो दौड़ का आप लोग तैयारी निरंतर करते रहिए। और हाँ, इस समय आप लोगों को बस अपना सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकल के लिए सेहत ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है और सारा फोकस आप लोग अपना फिजिकल में देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आप लोग को ज़रूरी बात ये चीज़ याद रखनी है कि सेहत का बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत अच्छा रहेगा तभी आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे फिजिकल में कुछ आप लोग का अच्छा देखने को मिलेगा। वरना इतनों दिन का बरसों का जो मेहनत है, थोड़ा सा आप लोग शरीर यदि वो स्वस्थ नहीं रहते हैं तो इतने दिन का मेहनत सारा पानी फिर जाएगा। इसलिए आप लोग को सेहत रहना, गर्म पानी हो सके उतना गर्म पानी पीने का प्रयास कीजिए जब भी पीने का मन करे। साथ ही साथ बारिश में आप लोग को दौड़ना नहीं है, जितना कम से कम हो सके बारिश में आप लोग दौड़ने का प्रयास कीजिए। भले बारिश हो रहा उस दिन नहीं दौड़िए, लेकिन अगला दिन दौड़िए, शाम में दौड़िए, लेकिन बारिश में ज़रा सा भी भींगना नहीं है। वरना कुछ लोग होते हैं जो कि अंदर में इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं कि बारिश में भी दौड़ने लगते हैं, लेकिन उसके एक दो दिन बाद उनको जा कर के वो चीज़ का सामना करना पड़ता है उस बारिश के भींगे हुए मौसम को। तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। होश में, जोश में, जैसे बोलते हैं ना, जोश में होश गंवाने वाली बात, तो उस प्रकार से जोश में आप लोगों को होश गंवाने वाली बात नहीं करनी है। फिलहाल चलिए, जैसे इसका आप लोग का फिजिकल के लिए कट ऑफ लिस्ट जो जारी किया जाएगा। और हाँ, आप लोग का ये भी एक डाउट रहता है कि क्या दौड़ के लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा? नहीं, दौड़ के लिए फिर से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। जो एडमिट कार्ड आप लोग को मिला है उसी एडमिट कार्ड को लेकर के दौड़ के दिन जाना पड़ेगा। और दौड़ के लिए सिर्फ इसी प्रकार जैसे यहाँ लिस्ट कैसे निकाला गया था आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट, तो वैसे ही लिस्ट दे दिया जाएगा और आप लोग का नंबर दे दिया जाएगा कि इस अभ्यर्थी का इतना नंबर है और इतना तारीख को दौड़ होने वाला है। जो भी जगह पर दौड़ होगा वो एड्रेस आप लोग को वहाँ पर बता दिया जाएगा। और हाँ, अभी को प्रयास कीजिए, यदि आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो कुछ दिन सप्ताह का कुछ दिन आप रोड में तैयारी कीजिए और कुछ दिन ग्राउंड में, क्योंकि आप लोगों का जो रनिंग होने वाला है वो दौड़ वो रोड पर होने वाला है। जो रोड है आप लोगों का, उस रोड पर रनिंग होने वाला है। तो आप लोग प्रयास कीजिए सप्ताह में दो तीन दिन
रोड में दौड़ने का, और बाकी जो बचा 2-3 दिन है उसमें ग्राउंड में दौड़ने का। आप रेगुलर रोड में नहीं दौड़िए, रेगुलर रोड में दौड़िएगा तो सीन पेन ये सब आपका घुटना थाई ये सब भर जाएगा, वो सब भी आप लोग का दर्द देने लगेगा। इसलिए कोशिश करना है कि कुछ दिन आप लोग को रोड में दौड़ना है और कुछ दिन ग्राउंड में दौड़ना है, और वैसे तो दौड़ आप लोग का रोड पर ही कराया जाएगा। फिलहाल चलिए, और भी कुछ आप लोग को जानकारी चाहिए निश्चिंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा। फिलहाल ये जो PDF है ये आप लोग का आंसर की का, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक जगह आप लोग को सेंड कर दिया जा रहा है, तो वहाँ से आप लोग लोड करके इसके आंसर की को आप लोग मैच कर लीजिए।